हेलो व्यूअर्स, पिंटू में आप सबका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध के दिए गए विचारों को जानेंगे। पहला, खुशी का रास्ता। बुद्ध कहते हैं, भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी का रास्ता है। दूसरा, क्रोध की सजा। बुद्ध कहते हैं, आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। तीसरा, संदेह और शक। बुद्ध कहते हैं, संदेह और शक की आदत से भयानक और कुछ नहीं होता, क्योंकि संदेह और शक लोगों को आपस में दूर करता है और मित्रता तुड़वाता है। चौथा, लड़ाइयाँ। बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है आप अपने ऊपर विजय प्राप्त करें, फिर देखें जीत हमेशा आपकी ही होगी। पांचवा, सच नहीं छिपता। बुद्ध कहते हैं, दुनिया में तीन चीजों को कभी नहीं छिपा सकते हैं, सूर्य, चंद्र और सत्य। छठा, लक्ष्य या मंजिल। बुद्ध कहते हैं, लक्ष्य या मंजिल को पाने से अच्छा है उसकी यात्रा अच्छी हो, हजारों शब्दों से अच्छा है वह एक शब्द जो शांति लाता हो। सातवां, बुराई। बुद्ध कहते हैं, बुराई को बुराई से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, बुराई हमेशा प्रेम को समाप्त करती है। आठवां, सत्य का रास्ता। बुद्ध कहते हैं, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति सिर्फ दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता है या फिर शुरुआत ही नहीं करता। नौवां, क्रोधित होना। बुद्ध कहते हैं, क्रोधित होने का मतलब है जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना, जो सबसे पहले आप ही को जलाता है। दसवां, खुशियां। बुद्ध कहते हैं, एक जलते हुए दीपक से हजारों दिए जला सकते हो, फिर भी दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती, ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तो व्यूअर्स, ये थे गौतम बुद्ध के 10 अनमोल विचार। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।